हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पुराने पॉट पर कुछ डिफरेंट स्टाइल में काम करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें एमसील की ज़रूरत होगी। तो आज हम सीखेंगे कि एमसील के इस्तेमाल से किस तरह से हम चीज़ों को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आने वाली है। इससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एक पुराना पॉट लेंगे और उस पर एक आई की शेप ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से पेंसिल से हमें ड्रॉ करना है और उसके बाद हम इस पर एमसील से काम करेंगे। ड्रॉ करने के बाद एमसील को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ये जो मैंने आई ड्रॉ करी है उसकी हम आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन बनाने के लिए हम इस तरह से इसको रोल करना है और आई के पास में पेस्ट करना है। आप देखिए, इस तरह से हम इसको हल्के हल्के प्रेस करते हुए बाउंड्री बनानी है ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। हमें दो बाउंड्रीज बनानी हैं, तो ये जो आप दो पेंसिल के निशान देख रहे हैं, पहले ये पहली बाउंड्री का है और इसको अच्छे से हमें एमसील से कवर करना है। प्रेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो लेयर है ये बराबर हो, पूरे ऊपर से नीचे तक इसमें फिनिशिंग आए, तो इसका हमें ख्याल रखना है और इसको अच्छे से बारीकी से हमें इसमें काम करना है। इसके बाद अब हम जो दूसरी बाउंड्री बनाएंगे तो वो पहली वाली से थोड़ी उठी हुई यानी उभरी हुई होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इस तरह से पहले एमसील को रोल करेंगे, आप देख सकते हैं, और फिर उसको हम साइड पे इस तरह से लगाते जाएंगे। ये देखिए, अब ये थोड़ी फिनिशिंग सी आ गई है। ये हमने दूसरी लेयर भी लगाई है, हमें दो लेयर लगानी है। दूसरी लेयर लगाने के बाद हम उसे हाथ से हल्के हल्के से प्रेस करेंगे इस तरह से, और एजेस के फिनिशिंग के लिए हम पेपर कटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम कंपास से और किसी भी ट्यूब के कैप से उसका इम्प्रेशन इस बाउंड्री पर लेंगे। आप देखिए, इस तरह से लेना है, कहीं पे कंपास का और कहीं पे ट्यूब के कैप का। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें एमसील की छोटी छोटी बॉल्स बनानी हैं और उन बॉल्स को फ्लैट करके हमें पॉट पर लगाते जाना है इस तरह से, और हमें पूरे पॉट को इसी तरह से कवर करना है। आप देखिए, इस तरह से लगेंगी। जब हमारा पॉट एमसील से पूरी तरह से कवर हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसके बाद हम उस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर करेंगे। पूरी तरह से हमें एक्रेलिक कलर से इस पॉट को कवर करना है, सिर्फ वो जो आई का हिस्सा, जो हमने आई की शेप जो दी है उसको हमें छोड़ना है, और बाकी पूरे एमसील से जो भी हमने काम किया है उसको हम ब्लैक एक्रेलिक कलर से कवर कर देंगे। ये देखिए, मैंने कवर कर दिया है। मेरे पास एक्रेलिक कलर का ये ब्रॉन्ज मेटालिक कलर है जिससे हम अपने पॉट को पेंट करने वाले हैं। मुझे इस तरह से इस पे कलर करना है कि इसका जो ब्लैक कलर हमने बेस में करा है वो पूरी तरह से ना छुपे, तो ये इसका ऊपर की जो एजेस हैं उस पर मेटालिक कलर इस तरह से हमारा लगता जाएगा। तो आपको इस तरह से हल्के हाथ से इस पर कलर करना है। आप कलर करने के तरीके को गौर से देखिएगा कि किस तरह से मैं ब्रश से कलर कर रही हूँ कि हमारा जो बेस का ब्लैक कलर है वो भी हमें दिख रहा है और मेटालिक कलर का इफ़ेक्ट भी हमारे पॉट को मिल रहा है। ब्रॉन्ज कलर होने के बाद हमारा पॉट इस तरह से दिखेगा। अब हम बीच के हिस्से में कलर करेंगे। सबसे पहले मैंने बेस में वाइट कलर करा है, उसके बाद मैं ब्लू के डिफरेंट शेड्स लेकर इस पर काम करूंगी और लास्ट में ब्लैक कलर का इस्तेमाल करूंगी।
लास्ट में मैंने पॉट को गोल्डन कलर का टच दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने जगह जगह गोल्डन कलर को अप्लाई करा है और जो हमारी बाउंड्री थी उसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए, एक मैजिकल लुक देने के लिए मैंने इस पर ब्लैक एंड गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने एक पुराने पॉट को एक एंटीक पॉट में कन्वर्ट करा है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि डोंट वेस्ट योर वेस्ट, टर्न देम इनटू बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की क्रिएटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।